सरकार का फेजर है। सरकार की जिम्मेदारी आप बच्चों के अंदर, और ये सारे काम जो हमारी सारी स्कीमों को अकेला एक ये पेपर आउट है पर ही खा जाए। निष्कर्ष तो कुछ निकला नहीं अभी तक, निष्कर्ष तो हम एग्जाम सही नहीं करा पा रहे, पेपर आउट हो रहे हैं। मैं तो रंधावा साहब ने अंदर कहा है कि अनुशासन जो एग्जाम सही नहीं, कौन नहीं करा पा रहा, पेपर आउट हो रहा है, इसका निष्कर्ष क्यों नहीं निकल रहा है, जो इतना मंथन चल रहा है इतने दिनों से, जो बवाल आपसी हो रहा है, बेरोजगारों के साथ हमारे स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है, हम नहीं करा पा रहे, हम फेल हो रहे हैं। कल किरोड़ी जी ने कहा था कि कुछ मंत्री और आरपीएससी के कुछ उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, इसमें कुछ लोग शामिल नहीं हो सकता। विधायकों के साथ जो वन टू वन संवाद हो रहा है उसमें कोई अपनी बात रखेंगे क्या कि आखिरकार सरकार का फेजर है? सरकार की जिम्मेदारी। पायलट साहब को कमान सौंपी जा रही है क्या? गुड़ा साहब, पायलट साहब को कमान सौंपी जा रही है क्या? लेकिन हम एग्जाम नहीं करा रहे, पेपर आउट हो रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर पा रहे, ये अब बच्चों के अंदर, और ये सारे काम जो हमारी सारी स्कीमों को अकेला एक ये पेपर आउट है पर ही खा जाए। सचिन पायलट साहब को कमान सौंपी जा रही है, देखो क्या मतलब। अच्छा कितने लोग शामिल है इसमें सरकार के? कुछ लोगों को शामिल होने की बू आ रही है, कई लोग कह रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। सरकार और हमारी हमारी मिली भगत के हमारे बिना प्रोटेक्शन के हम फाइल खड़ी हो सकते हैं, कहीं नहीं कहते लीकेज है। सीबीआई जांच होनी चाहिए, कर्नल इन्होंने पता नहीं ये जांच का पता, लेकिन हम फेल हो गए। सीएम साहब कह रहे हैं किसी जांच से सीएम नहीं बन जाता, वो अलग बात है, लेकिन ये हम एक स्वच्छ पेपर नहीं करा सकते बच्चों के।